चुनावों को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने भी राज्य सरकारों को आदेश दे दिया कि 5 जनवरी के बाद चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी का वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यानी 6 जनवरी से डीएम एसडीएम तहसीलदारों के तबादले नहीं हो सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारों को चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। तो दूसरी ओर अब इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 28 दलों के बीच अगले 10 दिनों के अंदर सीटों के बंटवारे का काम पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले में सभी दलों के बीच सहमति बन जाएगी। ज्यादातर राज्यों के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है और जहां मामला तय नहीं हुआ उन राज्यों के लिए जल्द ही इंडिया गठबंधन के घटक दल बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि जहां पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है वहां सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही जहां पुराने गठबंधन हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है वहां भी 2019 का फार्मूला अपनाया जा सकता है, यानी दक्षिण भारत में सीट बंटवारे में कोई परेशानी नहीं आने वाली। सिर्फ महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पंजाब और दिल्ली में सीटों को लेकर सहमति बनाई जानी है और ये काम जनवरी के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से भी ये संकेत दिया गया है कि जनवरी के आखिर में पार्टी उम्मीदवार चयन के प्रक्रिया भी शुरू कर देगी और इससे पहले 14 जनवरी से मणिपुर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में 6,200 किलोमीटर लंबी न्याय यात्रा शुरू की जाएगी जो 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर समाप्त होगी। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हो गयी और अंतिम दिन जेडीयू के अंदर बड़े बदलाव की खबर भी सामने आई। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा था और इससे पहले अपना इस्तीफा भी दे दिया और ललन सिंह के प्रस्ताव को पार्टी की कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि उन्होंने ललन सिंह को अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए मनाया था लेकिन उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का मन बना लिया था। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ललन सिंह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ने का अनुरोध किया था। उन्होंने खुद नीतीश कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। ललन सिंह ने जुलाई 2021 में आरसीपी सिंह के हटने के बाद पार्टी की कमान संभाली थी। ललन सिंह मुंगेर से लोकसभा सांसद भी हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई जिसने नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई। जनगणना का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बना रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में जातीय जनगणना होना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ना तो वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रही है और ना ही इसका विरोध कर पा रही है। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने दावा किया कि जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने उठाया था जिसे दूसरे दल अब अपना बता रहे हैं। अखिलेश के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जवाब दिया। पार्टी नेताओं के साथ राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना कोई क्षेत्रीय दल कर ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना कराने का काम केंद्र का है और कोई एक राज्य पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं करा सकता, ये कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी ही करा सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी का आधार सिर्फ यूपी में है जबकि कांग्रेस का देशव्यापी आधार है। आपको बता दें कि बीते 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया था और राहुल गांधी का साफ कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी और राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी और आरएसएस दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों संघ प्रमुख की ओर से भी साफ कर दिया गया था कि जातीय जनगणना का वो समर्थन करते हैं। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख की ओर से भी ये साफ कर दिया गया था कि जातीय जनगणना का वो समर्थन करते हैं, तो बीजेपी के तमाम नेता भी इसका समर्थन कर चुके हैं।